कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहा है 12, तो अभी हम बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून। तो 12 बज चुका है, अभी तक मेरा खाना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम खाना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चावल बैठा देते हैं और सब्जी बन गया है और दाल भी उबाल के रखे है, मतलब हाफ बॉइल करके रखे है दाल को। तो दाल को तड़का लगाएंगे और इंडक्शन में हम चावल बनाएंगे। तो पहले हम चावल बैठा देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चावल को हम पहले ही थोड़ा सा पानी में फूलने के लिए रखे हैं। दाल और चावल को हम पहले फूलने के लिए रख देते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो उससे चावल भी अच्छा बनता है, थोड़ा लंबा लंबा बनता है चावल और जल्दी पक भी जाता है। चढ़ा दिए हैं और दाल को हम ढक लगा लेते हैं और मूली का सब्जी बनाएंगे। और मटर का सब्जी हम बना लिए हैं, वो नाश्ता में भी हम लोग खाए हैं और दोपहर में भी खाएंगे, तो खत्म हो जाएगा। और उसके साथ और एक सब्जी चाहिए, तो मूली का सब्जी बनाएंगे। तो पहले मूली भी काट लेते हैं, उसके बाद दाल छौंक लगाएंगे, तब तक चावल भी बन जाएगा। तो देखते रहिए। मूली हम काट लिए हैं, ये देखिए, धूप में बैठ के ही काटे हैं, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए। तो अभी इसका सब्जी बना लेते हैं और दाल जो बनाए हैं उसको छौंक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर और तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें राई डालेंगे और 2 सूखा मिर्च। ज़्यादा मसाला इसमें नहीं लगता है, मूली की सब्जी में बिना पानी का ही बनेगा, बस झाप झाप के बनाना पड़ता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, कभी बना के देखिए। और थोड़ा नमक हल्दी।
देखिए यहाँ पे ढक दिए थे और इसी तरह ढक ढक के बनाएंगे, और इसी का जो भाप का जो पानी होगा उसी से ये वाला बनेगा। इस तरह ऊपर से पानी नहीं डालना पड़ता है, और इसी तरह इसको फ्राई करना है। फ्राई करते करते लास्ट में जब ये पूरा पक जाएगा हल्का सा मीठा डालेंगे, एकदम थोड़ा सा चीनी डालेंगे। तो मेरा यहाँ पे चावल भी बन गया है और दाल भी बन रहा है, मतलब दाल भी बन गया है, छौंक लगा दिए हैं उसका, और मूली का सब्जी बन रहा है। तो बेटी आ गई है स्कूल से, मतलब ट्यूशन से आ गई है, अभी उसको खाना दे रहे हैं। वो मूली का सब्जी नहीं खाएगी, वो बोली है कि हमको मटर का सब्जी दो। तो मटर सब्जी का जो नाश्ता में बनाए थे सब्जी, थोड़ा ज़्यादा ही बनाए थे ताकि दोपहर में भी हो जाए, तो उसी से वो खाना खा लेगी और मूली का सब्जी हम लोग खाएँगे। चलिए और देखते हैं वीडियो। और यहाँ पे मेरा खाना कंप्लीट हो गया है, खाना बन गया है। अभी हम टिफ़िन पैक कर रहे हैं मेरे हस्बैंड के लिए, और थोड़ा लेट से ही हम खाना बनाते हैं ताकि खाना खाने का टाइम में खाना गर्म ही रहे, जैसे कि 1:30-2 बजे तक मेरा खाना बन जाए, ताकि हम टाइम पे दुकान में खाना भी भेज सकते हैं, खाना गर्म भी रहे, क्योंकि ठंडा का दिन है, ठंडा हो जाने के बाद चावल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम थोड़ा लेट से खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद बर्तन होता है, तो देखिए इतना सारा बर्तन है, ये बर्तन धो लेते हैं हम, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।